बहुत मिस किया, अभी मिस कर रहा हूँ, लेकिन हर सुबह जब शेव करता हूँ तो याद आती है कि 60% पड़े थे मुझे यहाँ पे, एक भी नहीं होगी। अब उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, एक भी चीज़ मिस नहीं की उन्होंने। मुझे बॉल लगा तो मुझे पता चला कि एटलीस्ट 4-5 मैच तो नहीं खेल सकूँगा, लेकिन ऐसा क्रिकेट में होता है। 1983 वर्ल्ड कप के अनमोल रतन इस समय हमारे साथ दिलीप वेंगेशकर सर हैं, जो कुछ देर पहले ही 83 फिल्म देखकर बाहर निकले हैं, और दिलीप सर से आज यहां पर बात करते हैं। सर, इतना मज़ा आया मुझे, मैं फिल्म देखा हूं आपके साथ, और स्पेशली आपको यहां लग जाता है, बड़ा मिस किया सर वर्ल्ड कप में, आपने कितना मिस किया है वर्ल्ड कप को? बहुत मिस किया, अभी मिस कर रहा हूं, लेकिन हर सुबह जब शेव करता हूँ तो याद आती है कि 60% पड़े थे मुझे यहाँ पे, और लेकिन ऑफकोर्स एवरीबडी प्लेड वेल, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, मैंने 4 बार देखी और 100 बार देखना चाहता हूँ, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। कबीर खान ने बहुत ही अच्छा डायरेक्शन किया है, यू नो रणवीर सिंह एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एक्टिंग, आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, मैंने ऐसी एक्टिंग देखी नहीं, क्योंकि वो एकदम हूबहू भी लगता है कपिल देव। अच्छा, पिच के पहले क्रिकेट के बाद इतनी मस्त आप मस्ती करते थे, आप लोग देखकर ऐसा लग रहा था मुझे भी वहाँ होना चाहिए था, हम सभी को लग रहा था। सर, क्या वाकई में इस तरह की मस्ती भी क्रिकेट के बीच में होती है? और वो 1983 की अगर सबसे यादगार चीज़ आपसे पूछें सर, जो मिस हो गई हो? नहीं, ऑफ द फील्ड होती थी मस्ती, लेकिन ऑन द फील्ड इतनी मस्ती नहीं होती थी, बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्सेंट्रेट हार्ड एंड एवरीबडी वॉन्टेड टू विन, सबको जीतना था, सबको अच्छा करना था, तो सब कॉन्सेंट्रेट करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत खुशी होती है कि हम लोग अंडरडॉग्स थे और वेस्ट इंडीज़ को हराया, कि वेस्ट इंडीज़ उस साल, आई मीन तभी 15 साल उन्होंने रूल किया उन्होंने, और उनको हराया, 2 बार हराया उनको, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, हमें इतना गर्वित हो रहे हैं, आपने वर्ल्ड कप हाथ में लिया था, क्या गर्वित हो रहेंगे। सर, सवाल ये है कि आपने तो अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा, आपको लगता है इस फिल्म में एक चीज़ कोई मिस हो गई है जो दिखानी चाहिए हो रही है? एक भी नहीं होगी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, एक भी चीज़ मिस नहीं की उन्होंने, और इतना माइन्यूट डिटेलिंग किया उन्होंने, उनका लाजवाब, उनका रियली, उनको जितना प्रेस करे उतना आई थिंक कम है, ऐसा मुझे लगता है। कबीर खान रियली डिड वेल, रणवीर सिंह। अच्छा, और लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि टिमी ने हमको यहाँ पे होस्ट किया, है ना, उनका आभारी हूँ उनका मैं, क्योंकि मैं और एक बार देखा हूँ ये फिल्म, एज आई सेड आई वॉच इट 4 times एंड आई वुड लाइक टू वॉच इट अगेन एंड अगेन। सर, जिस समय आपको लगा था उस समय टीम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी, ये चीज़ें तो फिल्म में दिखाई नहीं, लेकिन जब आप आए तो कपिल जी ने आपको जब मिले तो सबसे पहला कपिल जी से आपकी क्या बात हुई थी? यार, हमने तो नहीं, आपको मिस करते हैं, मैं भी मिस कर रहा था, क्योंकि जब मुझे बॉल लगा तो मुझे पता चला कि एटलीस्ट 4-5 मैच तो नहीं खेल सकूँगा, लेकिन ऐसा क्रिकेट में होता है, और बॉल लगना तो अपने हाथ में नहीं, वो एक्सीडेंट होता है, बट आई एंजॉयड द एंटायर प्रोसेस। जिस एक्टर ने आपकी भूमिका निभाई है, आपके किरदार की भूमिका निभाई है, आपने खुद को देखा उस एक्टर में? हाँ, बहुत ही अच्छा किया वो आदिनाथ कोठारे, आदि इज अ वेरी एक्सलेंट एक्टर इन मराठी ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो, नाउ इज डूइंग इंग्लिश ऑल्सो आई बिलीव, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने, मुझे लगता है कि मैं ही बैटिंग कर रहा हूँ, और मुझे जब बॉल लगा तभी उन्होंने बराबर वैसे रिप्लीकेट किया। 83 में रणबीर सिंह जी ने कपिल देव जी का किरदार निभाया, आपको लगा कि कपिल देव की तरह हूबहू बोला है, हूबहू काम किया है, कितने खुश हैं या कुछ कहना चाहें? देखो, मैं अंडर 19 से कपिल के साथ खेल रहा हूँ, तो उसका बात करने का तरीका, उसकी स्टाइल, बैटिंग स्टाइल, बॉलिंग स्टाइल, उन्होंने बहुत ही खूबी से निभाया है, बहुत ही अच्छा किरदार किया उन्होंने, मैं ऐसी एक्टिंग में देखी नहीं रियली, आई मीन ही वॉज सिंपली आउटस्टैंडिंग। सर, वापस से आपका दिल नहीं किया कि एक बार वो से पीछे पे कूद जाए और वापस से खेल ले इतना बड़ा ग्राउंड? जरूर, ऐसा लगता है, अभी कल से बैटिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ कल से। थैंक यू वेरी मच दिलीप वेंगेशकर सर, साफ तौर से बहुत प्यारी प्यारी बातें इन्होंने कही है, और बड़ा मज़ा आया फिल्म देख के। वाकई दोस्तों, आपने नहीं देखी है जाके आपको ज़रूर देखना चाहिए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा। बने रहें हमारे साथ।